बीजेपी गठबंधन को झारखंड में मिला पूरा बहुमत, जम्मू कश्मीर में संग्राम जारी। झारखंड में बीजेपी गठबंधन को मुकम्मल अक्सरियत मिला सरकार बनाने की तैयारी, वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिलने की वजह से सरकार बनाने की जद्दोजहद जारी है। 13 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप मामले में 2 को 10 साल की कैद। बच्ची की गैंगरेप मामले में अदालत ने सुनाया फैसला, दोनों मुलजिमों को सुनाई 10 साल कैद की सजा। झारखंड के बाद बीजेपी की नजर वेस्ट बंगाल पर। झारखंड में मिले बहुमत के बाद बीजेपी ने कहा अब बारी है वेस्ट बंगाल की। राहुल गांधी ने बुलाई कांग्रेस महासचिव की बैठक। झारखंड और जम्मू कश्मीर इंतखाब में मिली करारी हार के बाद नायब सदर राहुल गांधी ने आपात बैठक बुलाई। महबूबा मुफ्ती ने कहा सरकार बनने में नहीं करेंगे जल्दीबाजी। जम्मू कश्मीर इंतखाब सबसे ज्यादा सीटें जीतने वाली पार्टी पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा सरकार बनाने में नहीं करेंगे कोई जल्दबाजी। संसद की विंटर सेशन खत्म। संसद का विंटर सेशन हंगामे के साथ खत्म हुआ। इस सेशन में पारित हुआ कई अहम बिल। कांग्रेस ने कहा विंटर सेशन में सरकार ने की मनमानी। कांग्रेस ने कहा विंटर सेशन दौरान सरकार का रुख काफी अरियल रहा और बहुमत का नजायज फायदा उठाया गया। लखवी की जमानत पर अमेरिका ने जताई चिंता। 26/11 मुंबई हमले के साजिशकर्ता जकीउर रहमान लखवी की जमानत पर अमेरिका ने जताई चिंता। पीएफ में घट सकता है वर्कर्स का डिपॉजिट परसेंट। मरकजी हुकूमत कर रही है विचार, प्रोविडेंट फंड में वर्कर्स के डिपॉजिट परसेंट को 12 से 10 फीसदी किया जा सकता है। आम आदमी पार्टी के चंदे की रकम हुई चोरी। आम आदमी पार्टी के डिनर प्रोग्राम के तहत जुटाए गए 20 लाख रुपए पर चोरों ने हाथ साफ कर लिए हैं। चोरों ने यह रकम पूर्व एमएलए वंदना कुमारी के घर से चुराई। बांग्लादेश के साबक वजीर को मौत की सजा। बांग्लादेश की कोर्ट ने वहां के साबक वजीर को 1971 के फ्रीडम मूवमेंट के दौरान इनह्यूमन कार्यों के लिए दी गई मौत की सजा। सोने चांदी की कीमतों में गिरावट। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डिमांड कम होने की वजह से सोने के दाम में 265 रुपए की और चांदी के दामों में 550 रुपए की गिरावट दर्ज की गई है। सैमसंग ने पेश किया नया स्मार्टफोन। कोरिया कंपनी सैमसंग ने भारतीय बाजार में उतारा अपना नया स्मार्टफोन गैलेक्सी नोट एज। असम में दहशतगर्द हमले में 40 की मौत। असम के सोनितपुर और कोकराझार इलाके में NDFBS के दहशतगर्दों के हमले में 40 लोगों की मौत हो गई है। बस और ट्रैक्टर की टक्कर में 8 लोगों की मौत। उत्तर प्रदेश के आगरा में एक स्कूल बस और ट्रैक्टर की टक्कर की वजह से 8 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 5 घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। दिल्ली में अभी भी महिलाएं नहीं सुरक्षित, बदमाशों ने फेंका महिला डॉक्टर पर तेजाब। दिल्ली में महिला पर अटैक का नया मामला सामने आया है। दिल्ली के रजौरी गार्डन इलाके में स्कूटी से घर जा रही महिला डॉक्टर पर बदमाशों ने फेंका तेजाब, हमले में महिला बुरी तरह झुलसी। अमेरिका में तेज तूफान, 4 लोगों की मौत। अमेरिका के मिसिसिपी इलाके में तेज तूफान के चलते 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग हुए घायल। भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने भारतीय क्रिकेट में किए अपने 10 साल पूरे। भारतीय क्रिकेट के सबसे सक्सेसफुल कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी ने इंटरनेशनल क्रिकेट में पूरे किए 10 साल। इस दौरान उनकी कप्तानी में भारत ने कई बड़े खिताब जीते। भुवनेश्वर कुमार हुए फिट, तीसरे टेस्ट में हो सकती है वापसी। चोट के चलते पहले 2 टेस्ट मैच से बाहर होने के बाद अब भुवनेश्वर कुमार हुए फिट, तीसरे टेस्ट मैच में खेलने की उम्मीदें बढ़ी। अमिताभ और धनुष की फिल्म शमिताभ का ऑडियो पोस्टर रिलीज। अमिताभ बच्चन और धनुष की फेमस अपकमिंग फिल्म शमिताभ का ऑडियो पोस्टर हुआ रिलीज।